देखो मैं फिर से हाजिर हो गई हूँ। कितना सारा प्रोडक्ट है देखो नीचे, कितना सारा प्रोडक्ट है, सब आज हम लोग वीडियो बनाएंगे। चलो 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 साथ में तो साड़ी संभालते संभालते ही मैंने वीडियो बनाया था, काफ़ी दिक्कत आ रहा था मेरे को उसको बनाने में वीडियो, क्योंकि साड़ी जल्दी मैं पहनती नहीं हूँ क्योंकि मैं बहुत मोटी हूँ, इसलिए तो मैं दूसरों को बोलती हूँ कि तुम लोग पहनो, बट मैं ही खुद नहीं पहनती साड़ी। तो ये हमारा प्रोडक्ट खुल गया, अब हम इसे पूरी तरह से खोल लेते हैं, पता नहीं क्या है इसमें। अरे पास बहुत खूबसूरत सा ये जार है जो कि ब्लैक कलर में आया है, और जब ये रहा, ये पैकिंग बहुत मस्त कर रहे हैं आजकल मीशो वाला जो है, पैकिंग इतना ज़बरदस्त करते हैं ना कि मत ही पूछिए, बहुत बहुत अच्छा पैकिंग। तो इसका जो प्राइस है आपको तो दिख ही रहा होगा, इसके लिए मुझे बोलना ही नहीं है, ठीक है। तो ये है हमारा बहुत ही खूबसूरत सा जार जो कि ब्लैक कलर और क्या है ये वाइट कलर, ये देखिए बिल्कुल मर्तबान के जैसा है। आपको इससे पहले भी मैं बहुत बार मर्तबान दिखाई हूँ, बट ये देखिए इसमें कट वर्क है, ये जो है इसमें कटा हुआ है, पूरा कट वर्क है और काफ़ी अच्छा है, बड़ा है, देखिए ये इससे आपको पता चलेगा ये अच्छा खासा बड़ा है, मतलब एक किलो, हाँ एक किलो के लगभग है, मतलब उससे ज़्यादा ही है एक किलो का। तो ये है वो हमारा जार, दोनों को मैं खोल देती हूँ। ये भी बिल्कुल मेरे लास्ट ड्रेस के जैसा है, ब्लैक और वाइट, मुझे लग रहा है उसी वक्त खोलती तो ज़्यादा अच्छा होता, पॉसिबल नहीं होता एक साथ में इतना सारा प्रोडक्ट दिखाना, तो धीरे धीरे ही दिखाते हैं हम लोगों को। तो ये है बहुत ही प्यारा सा प्रोडक्ट, आप इसमें अचार लगाइए, अचार जो लगा हुआ है उसको भी रख सकते हैं, और बहुत ही प्यारा है, बिस्किट्स वगैरह कुछ भी आप रख सकते हैं आपके अपने हिसाब से, अकॉर्डिंग जो भी है, बहुत ही खूबसूरत प्रोडक्ट है, तो आप इसके साथ में जा सकते हैं। ये है हमारा वो क्या बोलते हैं, तो ये सेरेमिक का है। नेक्स्ट प्रोडक्ट खोल लेते हैं क्या है हमारा, और बहुत जगह से मैसेज आया, मैं यहाँ से हूँ मैं वहाँ से हूँ, तो मैं उसको भी बताऊँगी मैसेज में, पढ़ती जाऊँगी बीच में, देखूँगी मौका मिले तो मैं पढ़ के बताऊंगी आपको मैसेज। बहुत बहुत थैंक यू आप सबको कि इतने जगह से आप लोग मेरी वीडियो को देख रहे हैं और लाइक कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात है आप लोग लाइक कर रहे हैं वीडियो को, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आप लोगों के दुआ से मैं खूब तरक्की करूं। और डॉली मैम ने मुझे बहुत बहुत दुआ दिया है, आप सब ने दिया है बहुत बहुत दुआ। तो ये है बहुत ही प्यारा सा वाटर कंटेनर बोलिए, छोटा सा, क्योंकि किचन में कभी कभी क्या होता है ना कि काफ़ी बड़ा बड़ा सामान रखने का जगह नहीं होता, तो ये छोटा सा है कि फिल्टर से निकाल लिए, निकाल के आप कहीं डाइनिंग हॉल वगैरह में कहीं पे आप लगा सकते हैं, छोटा सा है, ये मेरे बुटीक में बहुत काम आएगा, तो इसको मैं रख लूँगी बुटीक में, मेरा ये 3-4 बोतल तो इसमें आ ही जाएगा पानी। तो ये टैप भी बहुत प्यारा सा दिया हुआ है, बहुत ही अच्छा है, क्वालिटी भी ठीक है, तो प्राइस के हिसाब से ये जो प्रोडक्ट है अच्छा है, आप इसके साथ में जा सकते हैं। चलिए अब आते हैं हम नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ में, नेक्स्ट प्रोडक्ट क्या है हमारा खोलते हैं हम, क्या है ये, बहुत ही यूजफुल चीज़ आया है, बहुत बहुत यूजफुल। अक्सर हम लोग क्या करते हैं किचन में जो हमारा रोटी का जो इंतज़ाम है, जो रोटी रखने वाला, वो इतना भी महंगा से महंगे कैसरोल में हम डाल दें, कैसरोल में क्या होता है ना रोटी
वेपर से भीग जाता है और लास्ट रोटी और फर्स्ट रोटी जो होता है वो हमारा गीला हो जाता है, तो हम लोग उसे इस्तेमाल नहीं कर पाते, तो हमें उसे मतलब यूजलेस कर देना पड़ता है। तो ये है बहुत ही अच्छा सा रोटी का पाउच बोल सकते हैं इसे। इसमें हम रखेंगे रोटी और जिप दिया हुआ है यहाँ पे, ये इस तरह से जिप दिया हुआ है, तो इस तरह से हम इसमें 10-15 रोटी तो आराम से आ जाएगा। और ये दो का पैक है, दोनों सेम है, काफ़ी अच्छा है, मल्टी कलर में है। तो ये है रोटी पाउच, रोटी पाउच काफ़ी अच्छा और यूजफुल चीज़ है, मस्ट बाय। अब हम आते हैं दूसरे प्रोडक्ट पर। दूसरा जो प्रोडक्ट है उसे भी हम लोग खोल लेते हैं और खोल करके फटाफट से अच्छे तक से रिव्यू करते हैं। और किसी ने मुझे लिखा है कि आपका जो वीडियो है देखने में इसलिए मज़ा आता है क्योंकि आप बहुत तसल्ली से बताती हैं। तो तसल्ली से बताने के लिए मैम आप लोग को हम ये वीडियो बना रहे हैं, तसल्ली से बनाने के लिए, ताकि अगर हम झटपट वीडियो बना देंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है ना वीडियो बनाने का, आप लोग समझ ही नहीं पाएंगे कि प्रोडक्ट क्या है, कैसे इस्तेमाल करना है या फिर क्वालिटी क्या है, लेना है या नहीं लेना है, वो तो बात की बात है। लेकिन प्रोडक्ट के बारे में अगर आप अच्छे से जानेंगे तभी तो आप उसे खरीदेंगे। तो ये है बहुत ही प्यारा सा, क्या बोलूँ, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है मुझे तो ये प्रोडक्ट। और किसी ने मुझे 2-3 वीडियो पहले एक मैसेज किया था कि आप प्रोडक्ट को पूरा मतलब यूज़ करके दिखा करके अब वीडियो बनाया कीजिए, तो शायद ये पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए हम लोग रील्स या फिर शॉर्ट्स अपलोड कर देते हैं ताकि हम यूज़ करके भी आपको दिखा सकें। तो ये है हमारा, ये देखिए, ये सूरज, ये सूर्य देवता, ये रहा, और ये है कैंडल, ठीक है। इसे जस्ट यहाँ पे पुट कर देना है और ये इस तरह से, ये देखिए, ये इस तरह से हम लगाएंगे, ये इस तरह से हम वॉल पे लगा देंगे, वॉल पे लगा के और ये कैंडल जला देंगे, तो ये बहुत ही अच्छा लुक आने वाला है, वो काफ़ी अच्छा लुक आएगा क्योंकि ये गोल्डन एंड ब्लैक कलर में जो है और ये मेटल में बना हुआ है, मिरर भी साथ में दिया हुआ है, तो ये रिफ्लेक्शन जो है इसका कैंडल का वो काफ़ी अच्छा इवनिंग लुक जो होगा ना हमारा रूम का वो काफ़ी मैंने क्या बोलूँ मैं स्पीचलेस, बहुत ही खूबसूरत आएगा, बहुत ही सुंदर, मैं इमेजिन कर रही हूँ। तो जब शॉर्ट्स बनाऊँगी तो कुछ इसी तरह का बना के आपको दिखाऊँगी। अब हम आते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ में। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है इसे खोल लेते हैं और ये जो प्रोडक्ट है कैसे ये प्रोडक्ट देखते हैं, वाओ। तो ये जो प्रोडक्ट मैंने खोला मेरे मुंह से निकला, वाओ, देखो कितना छोटा छोटा सा क्यूट सा सॉस डिप जो होते हैं उसके लिए ये छोटा छोटा सा बाउल है और इसमें बना हुआ है मछली। तो इससे मैं रिलेटेड एक कहानी बताऊंगी, सुनो। तो इसमें जो मछली बना हुआ है इससे ये नहीं सोचना कि ये मछली निकल के बाहर आ जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वेजिटेरियन जो है वो ना सोचे मछली है नहीं मंगाना है, शौक से मंगा सकते हैं आप इसे, काफ़ी क्यूट सा है। तो इससे रिलेटेड जो स्टोरी है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो ये जो मछली बना हुआ है ऐसे ही बचपन में सिलबट्टा होता है ना, सिलबट्टा जिसपे हम मसाला पीसते हैं, तो वो सिलबट्टा हमारे पड़ोसी के घर में सिलबट्टा था। तो वो सिलबट्टा जब वो कूटने वाला आता है ना, कूटनी जो करते हैं, तो वो जब कूटने आता था तो वो आंटी है वो अक्सर बोलती थी कि सुनो सिलबट्टे वाले को कि सुनो इसमें ना तुम ना मछली का कुटाई करो। तो वो पूछता था क्यों, तो मछली का कुटाई जब तुम करोगे ना तो हम अगर सब्जी भी बनाएंगे ना, वो जो मसाला पीसेंगे तो सब्जी भी अगर बनाएंगे तो उसमें से मछली का स्वाद आएगा, तो हमें नॉनवेज खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सोचो क्या फनी है ये स्टोरी, तो मेरे को याद था इसलिए मैंने आपके साथ में शेयर किया। इसी तरह से बहुत ही अच्छे अच्छे स्टोरी मेरे बचपन का है, मैं बताऊँगी आपको। तो ये है क्यूट सा डिप वाला सॉस रखने वाला, ये तो मेरे बच्चे बहुत पसंद करने वाले हैं, बहुत ही सुंदर है, सेरेमिक का बना हुआ है और क्यूट है, क्यूट, बहुत ही क्यूट। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ में, उससे पहले पढ़ेंगे हम मैसेज। तो सबसे पहला मैसेज जो यहाँ पे है शमा खान जी का, अस्सलाम वालेकुम, आपको
और आपने लिखा है अंजुम जी, हम तो आपके आवाज सुनने के लिए ही आपकी वीडियो देखते हैं, थैंक यू। और आप भी कभी कभी अपना आवाज सुना दीजिए तो मैं आपको व्हाट्सअप करूंगी, इंस्टा पे आप मेरे को जा करके वहाँ पे मैसेज कीजिए, मैं आपको अपना नंबर दूंगी, हम लोग फोन पे बात करेंगे तो हम भी आपके आवाज को सुन सकेंगे। और आप लोग जो इस तरह से मेरा फैमिली मेंबर बने हुए हैं, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। मुझे बहुत खुशी होती है, कहाँ कहाँ से अब मेरे फैमिली मेंबर्स हो गए हैं, तो बहुत प्राउडली मैं बोलूँगी मेरे पास में पूरे हिंदुस्तान में मेरे फैमिली मेंबर्स हैं, फैन नहीं फैमिली मेंबर्स। लहजा बहुत बढ़िया है, थैंक यू। अब हम आते हैं नेक्स्ट, डॉली मैम, हाय मैम, आई विश योर चैनल ग्रो फास्टर एंड फास्टर, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। आप सबकी दुआ की ही ज़रूरत है, बहुत बहुत सपोर्ट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक तो जरूर कीजिएगा, थैंक यू सो मच। और मैम आपने 2 बजे रात में लिखा है, थोड़ा सा आराम भी कर लीजिए आप। तो ये है अब एक और, अहमदाबाद से, अहमदाबाद गुजरात, तो केम छो मजा में, तो मेरे को बुलाना गुजरात था, हम जाएंगे उधर पे, थैंक यू सो मच मैम आपका ये लिखने के लिए। यहाँ पे है तहबा सैयद जी, सलाम अलैकुम, आपने लिखा है आप सुजलपुर भोपाल से हैं, भोपाल के पास, माशाल्लाह आपको खूब कामयाबी मिले, थैंक यू सो मच। आप सबकी दुआ की ज़रूरत है, बस आप दुआ दीजिए इसी तरह से। ये हैं पूनम जी, इन्होंने लिखा है हेलो मैम, आप बहुत क्यूट हैं, थैंक यू, लगते हो फ्रॉम फरीदाबाद, तो मैंने कभी भी फरीदाबाद में कभी भी गई नहीं हूँ, हर जगह पे ही नहीं गई हूँ, तो आप ज़रूर जाएंगे। विशाखा मैम ने लिखा है गुड प्रोडक्ट, थैंक यू मैम। और टीना ने लिखा है ओ माय गॉड, यू टुडे यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। यहाँ पे एक और मैसेज है जो BG07048 है, जो भी है आप प्लीज़ अपना नाम लिखिए तो अच्छा होगा ताकि मैं आपका नाम ले पाऊँ। तो यहाँ पे उन्होंने लिखा है आई लाइक योर वीडियोज़, आई एम फ्रॉम अमृतसर, यू आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल, थैंक यू सो मच। तो इसी तरह से मैंने बहुत सारा पढ़ा और मैं पढ़ूंगी तो बहुत लेंदी हो जाएगा, तो भाग जाओगे आप लोग यहाँ से, तो भागो मत प्लीज़, आप मेरा वीडियो को देख के जाना, ठीक है, ताकि आपको मीशो का 7 तारीख को बहुत ही अच्छा बम्पर सेल आ रहा है, उसमें जा करके आपको करना है क्या शॉपिंग, यहाँ जो मैंने दिखाया है प्रोडक्ट उन सब का, तो अच्छा जो लगे आप प्लीज़ जा करके उस सेल का लुत्फ उठाइए, ठीक है। चलो अब हम आते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ में, फटाफट से हम खोलेंगे प्रोडक्ट, आपके टाइम को ख़राब ना करते हुए, आपको बोर नहीं करते हुए, फटाफट से खोल लेते हैं प्रोडक्ट, कुछ कुछ लोग भाग जाएंगे तो प्लीज भाग जाओ। ये देखो क्या सुंदर सा, ये क्या है बताओ तो, अभी बता, ये है एक शॉर्ट सेकर, ये है क्यूट सा, यहाँ पे बना हुआ है कैक्टस, तो ये लग रहा ना ऐसा ऐसा करके जा रहा है, तो ये है कैक्टस, ये सॉल्ट एंड पेपर शेकर, तो काफ़ी प्यारा सा सेरामिक का है ये, क्यूट सा देखने में, और इसमें यहाँ से इंसर्ट करना है, इसको खोल करके आपको इधर से जो भी आप, ज़रूरी नहीं है नमक ही डालना है, आप जो भी मसाला चटकदार कुछ खाना चाहते हैं तो अपने डाइनिंग टेबल को सजा लो इससे जाके, काफ़ी क्यूट सा प्रोडक्ट है, बहुत सुंदर लग रहा देखने में। अब हम आते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ में, तो नेक्स्ट प्रोडक्ट फटाफट से खोलो, तो ये है हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट, काफ़ी क्यूट क्यूट सा देखो कांच का ये बॉटल है, बहुत ही सुंदर, ये तो मैं वाटर बॉटल की तरह इस्तेमाल करूँगी इसे, आप इसमें चाहे तो बच्चों के चॉकलेट्स कैंडीज या फिर अपने हिसाब से आप इसमें कुछ भी रख सकते हो, दाल वाल भी रख सकते हो, स्पेस कम लेगा आपका, और मसाला जैसे खड़ा मसाला होता है ना, खड़ा मसाला वगैरह वो सब आप ले सकते हो। बड़ा प्यारा सा इसका शेप है, देखिए काफ़ी प्यारा सा शेप है, बहुत ही हार्ड बोतल है ये, कांच का है, और इसका जो कैप है, कैप भी बहुत ही अच्छा है, ये देखो कैप भी अच्छा है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग, तो ये है हमारा क्यूट सा कांच का बॉटल जो कि स्क्वायर शेप में है, मिल्क वगैरह कुछ भी आप इसे
इसमें रख के फ्रिज में या फिर अपने किचन को सजा सकते हो। तो प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, प्राइस इधर दिख रहा होगा और आप जाकर के सेल में इसका मजा उठा सकते हो। तो हम रखते हैं इसे यहाँ पे, नहीं तो मेरे हाथ से चटर पटर करते वक्त में इसे गिर जाएगा। तो प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, तो आप जाइए जाकर के इसे बाय कीजिए। तो अब हमारा जो प्रोडक्ट है नेक्स्ट वो दिखा लेते हैं। यहाँ पे एक बड़ा सा डब्बा है, उसके लिए सबर कीजिए, पता नहीं उसमें क्या है, खोलेंगे हम। ठीक, तो मैं बेसब्री से इंतज़ार करूँगी आप सबका इंस्टा पे मैसेज का, तो आप वहाँ पे मैसेज कीजिएगा, मैं आप सबकी भी आवाज़ सुनना चाहूँगी। ये वाओ वाओ, बहुत ही खूबसूरत सा शोपीस आया है, ये वॉल डेकोर ही बोलिए इसे, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर, मस्त मस्त। बिल्कुल लग रहा है कि मैं किसी पॉन्ड में हूँ, और उसमें से जाके मैंने ये नेचुरल लोटस ले लिया है। ये आपको शायद इस कैमरा में इसका जो नेचुरल जो लुक है, रियल लुक जो है वो नहीं दिख रहा होगा, बट ये बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सोबर और बहुत ही अच्छा है। ये क्वालिटी बहुत सुंदर है, देखो इस तरह से हमें, ये तो मेरा पिंक वॉल है, इधर पिंक नहीं, आप किसी डार्क वॉल पे भी इसे लगा सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है, मस्त सा सर्कल एंड लोटस टाइप फ्लावर, बहुत ही खूबसूरत प्रोडक्ट है, तो आप जाकर इसे ले सकते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ में, जो बड़ा सा डब्बा है, इसे खोलेंगे हम लोग, अभी इसमें से क्या निकलता है वो देखते हैं। तो इतना ऊंचा ऊंचा सा डब्बा है ये, तो इसमें प्रोडक्ट क्या है ये देखो, काफी सुंदर लग रहा है ये, क्या है मुझे समझ में तो नहीं आ रहा, लेकिन इसे खोलते हैं। ये सबसे पहले मैं खोलूंगी, तो ये आया है एक लकड़ी का ढक्कन लीड, ठीक है, और इसमें काफ़ी प्यारा सा, देखो ये लकड़ी का काफ़ी अच्छा फिनिशिंग है। ये है ढक्कन, ये है एक बास्केट, वाओ, ये देखो जी, फॉर्म देखो, तो इसे हम यूज कर सकते हैं एज अ फ्रूट बास्केट। मुझे तो यही लग रहा है ये फ्रूट बास्केट ही है, क्योंकि इधर ये जालीदार है, तो आप इसमें रखिए अपने फ्रूट्स, आप ब्रेड्स वगैरह भी रख सकते हैं, क्योंकि उसे भी एयर की ज़रूरत होती है। जब हम ब्रेड लेके आते हैं मार्केट से, तो उसे फ्रिज में अगर रख देंगे तो वो सही रहता है, आप ब्रेड्स वगैरह भी रख सकते हैं किचन में। और ये फ्रूट बास्केट मुझे बहुत खूबसूरत लगा, इसका ये जो शेप है ये बहुत अच्छा है, ये मूंछ नहीं है, तो मैं इसे हटा देती हूँ। तो काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है, यूज़फुल प्रोडक्ट है, और ये जाली बहुत ही अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है प्रोडक्ट, सुंदर सा प्रोडक्ट। तो आप बताइए कि आज जो मैंने आपके साथ शेयर किया, काफ़ी सुंदर सुंदर सा, ये देखिए इसका काफ़ी सुंदर सुंदर सा ये आइटम है, राइट डेविड दिख रहा है, ये देखिए ये काफ़ी खूबसूरत खूबसूरत सा आइटम आपके साथ में मैंने शेयर किया है। तो ये था आज का हमारा क्यूट क्यूट सा आइटम, तो आप बताइए कि आपको ये सब कैसा लगा, और थैंक यू सो मच सपोर्ट के लिए। इसी तरह से ढेर सारा प्यार, कमेंट और शेयर, लाइक वीडियो को करते रहना, और मैं भी आ जाऊंगी नए नए अच्छे अच्छे प्रोडक्ट के साथ में, मेहनत करते हुए आपके सामने वीडियो लेकर के। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।